बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज बिलाखिर इसहाक डार साहब के असासे रिलीज़ कर दिए गए। उनमें बैंक अकाउंट तकरीबन 50 करोड़ की बात की जा रही है और उनका वसी घर और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़। तो ये वो सिलसिला था जो चल रहा था NRO-2 के साथ साथ, कि सबकी दौलतें जो कि इस मुल्क के लुट जाने के बाद उनका असासा बन गईं, वो उस पे मुल्क का कोई राइट और हक नहीं रहा। और इस अमेंडमेंट जो कि नैब ऑर्डिनेंस में की गई, उसके बाद वो सब उन्हीं का माल हुआ जिन्होंने इसको लूटा था। सो वो असासे वापस होने शुरू हो गए। अब इन हालात में वो पैसा भी उससे कमा के या ये के असासे बेच के पैसा बना के, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बाहर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी अशराफिया का ठिकाना तो बाहर है। उसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है वो जूँ कि तूँ, जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि बात हो रही है टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की, उस पर भी उसके हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि उसमें मसाइल तो बहुत हैं, क्योंकि उसकी कोई कानूनी ऐसी इजाज़त नहीं है कि वो बनाई जा सके, हमारे आईन में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि फिर हमारे अदारों का नाम आ रहा है, जहां वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अदारे ये लाना चाहते हैं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, और मुख्तलिफ टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू वगैरह भी लिए जा रहे हैं। ये मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए परेशानी का बायस है। पहले तो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। वो अगर बना दी जाए तो क्या, पहली बात तो ये कि कानूनी उसका जवाब क्या होगा, क्या हमारी अदालतें ये जवाब मुहैया करेंगी? अगर अदालतें मुहैया करेंगी तो अदालतों का किरदार मशकूक होगा, क्योंकि नज़रिया ज़रूरत फिर ज़िंदा करना पड़ेगा। और अभी तक अदालतों ने कोई ऐसा अग्रेसिव रोल अदा नहीं किया जहां लगे कि वो वाकई रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यूँ लगता है कि बाज़ मसलतें हैं जो कि रुकावट बनी हुई हैं, और वो मेरा ख़्याल है कि किसी भी लिहाज से मुल्क के मफाद में नहीं है। सो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट के बारे में कानूनी जवाब अगर कहीं निकल सकता है तो वह अदालतों के ज़रिए ही हो सकता है, और मैं तवक्को करता हूं कि हमारी अदालतें इस दफ़ा शायद कुछ एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि पहले जितने भी नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले आए उन पे बाद में कौम ने बड़ी तनकीद की। वो एक वक्त पे कुछ लेजिटिमेसी तो मुहैया कर देते हैं ये फ़ैसले, लेकिन बिल आखिर वो तारीख़ में एक स्याह बाब का इजाफा हो जाता है। फिर ये कि ये ज़िम्मेदारी जो है, ये सूरत हाल जो पैदा हुई है और उसको आगे डील करना, ये सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है। ये जो तबाह करने वाले हैं इस मईशत को और इन मामलात को, जिन्होंने PDM जिसने के इस नहज तक पहुंचा दिया मुल्क को, अब उसको राह फरार अगर मिल जाए कि आप टेक्नोक्रेट्स का एक दरमियान में शोशा छोड़ दें और टेक्नोक्रेट्स बैठ जाएँ, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये NRO-3 होगा, जो कि फिर वही मैं समझता हूँ कि मुल्क के मफादात को रौनते हुए ही दिया जा सकता है, वरना ये दिया नहीं जा सकेगा। हकीकत ये है कि सारे खेल में बाज़ लोगों ने फिर करप्शन भी की है, कवानीन भी तोड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि अपने मफादात की हिफाजत की है और इस इकॉनमी को, इस मुल्क को महंगाई के एक दोज़ख़ में झोंक के बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब उन लोगों को कुछ ना कुछ तो सज़ा होनी चाहिए, उनका एहतसाब तो होना चाहिए, और एहतसाब आवाम कर लेंगे। अगर हम टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बना के बिठा दें तो इसका मतलब ये कि हमने उनको तो कम अज़ कम ये PDM के इन हजरात को, जिन्होंने वावेला मचाया था सुबह शाम, जो कहते थे कि इमरान खान ने महंगाई करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों को ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर कर दिया,
उनका कुछ तो एहतसाब हो सके कहीं, उन्होंने जो कुछ किया उसका एहतसाब होने के बजाय उनको एक क्लीन ब्रेक दे के और आवाम के गैज़ो गज़ब का भी उनको सामना न करने दिया जाए, उनको आवाम से दूर करके दरमियान में एक बफर जोन क्रिएट कर दी जाए जिसमें के टेक्नोक्रेट्स आके बैठ जाएं, तो वो तो इनको लाजमन आपने एक क्लीन स्लेट दे दी। तो ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है, जैसे NRO 1, 2 और 3 हो गया फिर, और ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब कदम नहीं है। फिर इसमें देखिए कि टेक्नोक्रेट्स का रवैया, हमारे यहाँ पहले भी आते रहे हैं, मोइन कुरैशी आए, और वो कहाँ हैं वो लोग, वो कुछ इकदाम करते हैं। अब ये जो रिकॉर्डिक का किस्सा हुआ, ये मोइन कुरैशी के वक्त में ये गालिबन साइन हुआ था, जो मोइन रिकॉर्डिक का जो बाद में फॉलो आउट हुआ और फिर उसको हमने एब्रोगेट हो गया, वो जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म कर दिया गया, फिर उसकी मुसीबत पड़ी हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। लेकिन इस सारे खेल में मोइन कुरैशी तो कहीं नहीं है। सो टेक्नोक्रेट्स की बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आपके एडवाइजरी बोर्ड्स में जा सकते हैं, उनको हायर किया जा सकता है, और वो गवर्नमेंट्स को एडवाइज़ करना चाहिए कि आप इन मामलात में एक कमेटी, एक बोर्ड तैयार कर लें जिसमें 8-10 इकोनॉमिस्ट हों। वो टेक्नोक्रेट्स इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एडवाइजरी बोर्ड का एक रोल अदा करें और पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप दे। इसके अलावा अगर हम करेंगे कुछ भी तो वो मुल्क के फ़ायदे में नहीं होगा, बल्कि ये टेक्नोक्रेट तो जो कुछ भी करना है मज़ीद तबाही अगर करते हैं, कर करा के वो हाथ साफ करके एक तरफ चले जाएंगे और फिर हुकूमत जो है वो जो भी हुकूमत आएगी वो हाथ मलती रह जाएगी। सो ये कतन एडवाइजेबल नहीं। दूसरा जो मुझे एतराज़ है वो ये है कि जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, अभी मैं बाद लोगों की कमेंट्री सुन रहा था, उसमें ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि गालिबन ये GHQ में फ़ैसला हुआ है, पता नहीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया है या वैसे हुआ है फ़ैसला, और फिर इंटरव्यूज़ वगैरह भी कोई इसी तरह हमारे अदारे में से कोई लोग कर रहे हैं या कुछ। ये चीज़ भी मैं समझता हूँ कि ये अदारे के लिए कल को परेशानी का बायस बन सकती है। टेक्नोक्रेट का तजर्बा ये कोई इसमें ज़मानत नहीं कि वो कामयाब हो, और ये भी इस बात की भी ज़मानत नहीं कि कल को कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आके इसकी ज़िम्मेदारी ले या इसकी ओनरशिप ले। तो सारा मलबा जो है वो आ जाएगा हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे, और उस वक्त आपके कोई भी अच्छे किए हुए काम जो है उनका ज़िक्र नहीं होगा। ज़िक्र होगा तो सिर्फ आपकी उस कोताही का, और हो सकता है कि वो कोताही भी बड़ी मेगा स्केल की हो कि उसका, क्योंकि इकॉनमी एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो वो ना हो कि उसका मलबा इतना ज़्यादा अदारे पे आए कि फिर हम संभाल ना सकें। और ये भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जितने भी पॉलिटिशन हैं वो PTI में हों, PDM में हों, किसी भी जमात में हों, वो सियासत आपकी खिदमत के लिए नहीं करते, वो सियासत करते हैं इक्तदार के लिए। इक्तदार एक नशा है, वो जब आ जाता है आपको, एक दफ़ा मिल गया, उसका चस्का लग गया, फिर छोड़ने को जी नहीं चाहता। तो इन हालात में जो प्रॉब्लम आ सकती है बड़ी शदीद, वो ये आ सकती है कि कल को ये सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे और बुरा भला कहेंगे तो इसको, इस्टेब्लिशमेंट को। जनरल मुशर्रफ के दौर में यही हुआ था कि बिल आखिर वकला, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़, हर कोई, आज तो फिर PDM इकतदार में है, कल जब ये भी इक्तदार से बाहर होंगे, PTI भी इक्तदार से बाहर है, और टेक्नोक्रेट जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं वो बैठे हों हुकूमत में, तो ये इक्तदार से बाहर सारे एक हो जाते हैं, और फिर निशाने पे होगी आपकी इस्टेब्लिशमेंट। कोई अपना कसूर नहीं मानेगा, यही PDM जो है ये साफ़ सुथरी होकर कह रहा है। ये कहेंगे कि जी हम तो बहुत ठीक ठाक कर रहे थे, हमने तो ये कर देना था, वो कर देना था, ये टेक्नोक्रेट आए बर्बाद करके चले गए, और उसका इल्ज़ाम एस्टेब्लिशमेंट पे आ जाएगा। सो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम इन हालात में जहाँ चीज़ें बहुत सारी बिगड़ चुकी हैं, बड़ी सेंसिटिविटी आ चुकी है, आप उसमें मशवरा कोई मांगे तो मशवरा तो ज़रूर दे दीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ में मैं समझता हूँ कि ऐसी टांग नहीं अड़ानी चाहिए
جہاں ہم ڈو اینڈ ڈائی کی طرف فیصلہ کروانے میں آ جائیں کہ یہ نہیں تو آپ کو یہی کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کل کو ادارے کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہیں. اور اس میں کل کو صرف اتنا نہیں, اس میں اعتراضات آئیں گے کہ آپ سیاست میں بھی دخل دے رہے تھے, افلاح میں بھی کر رہے تھے, آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے تھے, لہذا آپ آرٹیکل 6 آپ پہ لگنا چاہیے. یہ ساری چیزیں مسئلہ بن سکتے کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ان کو کوئی تھریٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے. لہذا یہ سب کی اندرونی خواہش, اگر کوئی فیور میں بھی ہے تو اس کی بھی اندرونی خواہش یہی ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو کہیں ایسا کیا جائے, باندھا جائے کہ یہ دوبارہ ہمیں نظر نہ آئے. تو میری تو گزارش یہی ہے کہ ہمیں اس سٹیج کے اوپر پولیٹیکل پروسیس کو پروموٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایسے فیصلے کریں یا ایسی اپنی طرف سے رائے لے کے آئیں جہاں ہم کہیں کہ یہی آپ کو کرنا ہے. تو وہ ہمارا رول فیصلہ کن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. سیکیورٹی کے ایشوز پہلے ہی بڑھتے جا رہے ہیں, میرا خیال ہے ادارے کو زیادہ توجہ ادھر دینی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.